और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीरिया के दमिश्क में भी भीषण हमला हुआ है। इसराइल ने दमिश्क में मिसाइल से अटैक किया है, गोलान हाइट्स की तरफ से यह हमला हुआ है। मिलिशिया गुट को निशाने पर लिया गया, लेबनान और यमन पर भी हमला किया गया। इसराइल ने दमिश्क में हमला किया है, गोलान हाइट्स की तरफ से यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि मिलिशिया गुट को इस हमले में टारगेट किया गया। तो किस तरीके से गाजा से सीरिया विनाश लीला की शुरुआत हो गई है, आपको बता दें चार फ्रंट पर हमले किए जा रहे हैं, गाजा से सीरिया और इसके अलावा जो चार फ्रंट पर हमले हो रहे हैं इस वक्त, गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं अलग अलग फ्रंट से। अब टारगेट पर कौन कौन है ये समझिए, गाजा में हमास टारगेट पर है, तो लेबनान में सीरिया, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया के जो विद्रोही गुट हैं उन पर भी हमला किया जा रहा है। तो ये वो तमाम अलग अलग गुट जिन पर हमला किया जा रहा है, अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। लेबनान में भी पूरी रात भीषण हमले हुए हैं, जानकारी आपके सामने रख दें, जहां उत्तरी मोर्चे पर भी IDF का अटैक हुआ है। दक्षिणी लेबनान पर बड़ी स्ट्राइक हुई है, हिजबुल्ला के ठिकाने टारगेट पर। गाजा पर हमले के साथ ही हिजबुल्ला और हूती भी इसराइल को दहलाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्ला लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नए लड़ाकों की भर्ती के लिए कई देशों में अभियान चला रहा है। हिजबुल्ला मोटी सैलरी देने का लालच देकर कई देशों के लड़ाकों को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल इसराइल की सेना सतर्क है और हिजबुल्ला के साथ हूती के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। गाजा में दूसरे चरण का हमला करने से पहले लेबनान बॉर्डर पूरी तरह सील था। जमीन पर टैंक गश्त कर रहे थे और आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे थे। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इधर गाजा में बारूद बरसा और उधर हिजबुल्ला लड़ाकों का खून उबाल मारने लगा। इसराइल से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई है। हिजबुल्ला लड़ाके रॉकेट और गोला बारूद लेकर लेबनान बॉर्डर पर पहुंचने लगे, लेकिन हिजबुल्ला लड़ाकों को मौका नहीं दिया गया। इसराइली फाइटर जेट से बमबारी शुरू कर दी गई और टैंक से बारूद की बरसात कर दी गई। लेबनान बॉर्डर पर ऐसी ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई कि हिजबुल्ला लड़ाकों को फिर से पीछे भागना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती शुरू की है। हिजबुल्ला $1,00,000 देने का ऑफर दे रहा है। हिजबुल्ला को शार्प शूटर्स की जरूरत है। ब्राजील के एक संगीतकार की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। इसराइल ने भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल की सीमा से नहीं लौटे तो इसराइल लेबनान के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती के बाद खुलासा हुआ कि हिजबुल्ला का भर्ती अभियान कई और देशों में भी चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और सीरिया से हथियारों की नई खेप मिली है। ईरान से हिजबुल्ला को भर्ती के लिए फंडिंग हो रही है। हिजबुल्ला उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां यहूदी रहते हैं। हिजबुल्ला सिर्फ इजरायली सीमा पर लड़ने के लिए भर्ती नहीं कर रहा है। हिजबुल्ला की कोशिश है कि दुनिया के कई देशों में यहूदियों पर हमले हों। हिजबुल्ला की लेबनान में शिया बहुल इलाकों में वर्चस्व है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 20,000 लड़ाके हैं। ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा करीब 30,000 लड़ाके रिजर्व में हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन हिजबुल्ला जानता है कि अब महीनों की जंग हो सकती है और सामने इसराइल जैसा ताकतवर दुश्मन है, इसलिए नए लड़ाकों की खोज शुरू हो गई है।